जर्नल एंट्रीज एक ऐसा टॉपिक है जो अगर आपने अच्छे से नहीं करा तो वो आपको पूरी कॉमर्स में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, सिर्फ इलेवेंथ में नहीं, क्योंकि जर्नल एंट्रीज इज द बेस फॉर कॉमर्स। अच्छे से कर लिया तो समझो कि कॉमर्स में मोस्टली चीज़ें आपने अकाउंट्स में तो कर ही ली। तो जर्नल एंट्रीज को इसीलिए मैंने धीरे धीरे एक एक चीज़ कराई आप लोगों को और प्रॉपरली एक एक एंट्री क्लियर अप करी। बट कुछ छोटी छोटी एंट्रीज हमारे पास बची हैं जो हम लोग आज कवर करेंगे एंड दिस इज द लास्ट पार्ट फ्रॉम जर्नल एंट्रीज। ये चार वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं जिनको आपको बहुत ध्यान से समझना है। देखो, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड और अनअर्न्ड, ये चार शब्द हैं जिनको आपको बहुत प्रॉपरली समझना है। मेन बात ध्यान रखना कि ये आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए यूज होते हैं और एक्रूड और अनअर्न्ड इनकम्स के लिए यूज होते हैं। ये मैंने अकाउंटिंग इक्वेशंस में भी वैसे आपको समझाया है, अगर आपने मेरे से अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा है, बट स्टिल जर्नल में मैं दोबारा बता रहा हूँ। यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम्स, अनअर्न्ड इनकम्स, ठीक है। नाउ व्हाट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते क्या हैं? हम लोग एक ट्रांजैक्शन लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल वेजेस पेड 10,000, स्टिल आउटस्टैंडिंग 2,000। लाइक फॉर एग्जाम्पल पूरे साल की जो वेजेस हैं वो 12,000 रुपीज़ हैं, पूरे साल की कितनी है 12,000, लेकिन हमने अभी कितनी पे करी है 10, हमने कितनी पे करी है 10, तो अभी जो ड्यू रह गया, जो मेरा खर्चा था पे करना था मैंने पे नहीं करा, जो मेरा बच गया उसको मैं क्या बोलता हूँ? आउटस्टैंडिंग 2,000 रुपीज़। तो यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते क्या हैं? विच एक्सपेंसेज आर ड्यू बट नॉट येट पेड, ड्यू है और अभी तक पे नहीं हुए, तो इसकी हम क्या एंट्री करेंगे? देखो बहुत सिंपल है, अगर मेरी कोई भी चीज पे होनी रह गई है तो क्या वो मेरी लाइबिलिटी है? अगर मुझे आपको पैसा देना है और मैंने अभी तक नहीं दिया तो भाई मेरी लाइबिलिटी हुई या नहीं हुई? सारी लाइबिलिटीज क्या होती है? सारी लाइबिलिटीज होती है क्रेडिट, सारे एसेट्स होते हैं डेबिट और सारी लाइबिलिटीज क्या होती है? क्रेडिट। अब यहां से समझो, देखो वेजेस पेड है 10,000, मैंने 10,000 वेजेस पे करा, तो यहां से मैं एंट्री पास करता हूं वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये मैंने पे कर दिया, ठीक है, कितना 10,000। अब लिखा हुआ है स्टिल आउटस्टैंडिंग 2,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, ड्यू है, खर्चा तो है मेरा, मैंने नहीं दिया वो अलग बात है, तो मैं क्या करूंगा? वेजेस अकाउंट डेबिट कितना 2,000। अब देखो अगर मैंने पे कर दिया था तो मैंने क्रेडिट में कैश लिखा था कि कैश मेरे पास से चला गया, तो मैंने टू कैश लिख दिया, लेकिन जब कैश दिया ही नहीं अभी तक, मेरा लाइबिलिटी है वो देना है मुझे फ्यूचर में, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, मैं आउटस्टैंडिंग वेजेस को क्रेडिट करूंगा। क्यों आउटस्टैंडिंग वेजेस को क्रेडिट करूंगा? क्योंकि मैंने यहाँ पे ये एक्सपेंस अभी पे नहीं करा, ये मैं फ्यूचर में पे करूंगा, अभी तक पे नहीं हुआ तो मेरी लाइबिलिटी अराइज हो गई और सारी लाइबिलिटीज क्या होती है? क्रेडिट होती है, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस यहाँ पे हो गया क्रेडिट। आप चाहो तो इनकी कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हो, देखो दो बार वेजेस डेबिट हो रहा है, वेजेस डेबिट एक ही बार कर दो, तो यहाँ से एक एंट्री बन सकती है वेजेस अकाउंट डेबिट पूरा 12,000, क्योंकि पूरे साल का तो 12,000 बना ना, टू कैश अकाउंट जो आपने पे कर दिया कितना, ये 10,000, और जो आपकी लाइबिलिटी अराइज हो रही है उसको दिखा दो टू आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,000। ये भी हमारी एक एंट्री बन सकती है। नरेशन क्या लिख दोगे? बीइंग वेजेस पेड 10,000 एंड स्टिल आउटस्टैंडिंग 2,000, सीधी सीधी यही नरेशन आ जाएगी। इस तरीके से हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एंट्री होती है। नॉर्मली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की अगर मुझे एंट्री लिखनी है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एंट्री होती है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब वो कोई भी एक्सपेंस हो सकता है, सैलरी भी हो सकती है, तो मैं एंट्री क्या करूंगा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। रेंट है, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। भाई पे कर दिया तो टू कैश, नहीं करा तो टू आउटस्टैंडिंग लगा दो, सिंपल, समझे। अब मेरे पास आता है दूसरा, प्रीपेड एक्सपेंसेस। व्हाट इज प्रीपेड एक्सपेंस? देखो प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है प्रीपेड, यानी कि पेड इन एडवांस, प्रीपेड यानी कि पेड इन एडवांस। इसको हटा रहा हूं, ये नोट डाउन कर लिया ना, नहीं करा तो स्क्रीनशॉट ले लो, अभी नोट डाउन कर लेना। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या है?
वो खर्चे जो मैंने एडवांस में पे कर दिए। अब समझो फिर से मैं क्या लिख रहा हूं, वेजेस पेड 14,000, इट इंक्लूड्स 2,000 फॉर नेक्स्ट ईयर। ट्रांजेक्शन आया कि हमने वेजेस पे करा 14,000, जिसके अंदर 2,000 नेक्स्ट ईयर का है, तो यानी 2,000 प्रीपेड हो गया या नहीं हो गया, क्योंकि वो अगले साल का है, पेड इन एडवांस। प्रीपेड का मतलब क्या है, पेड इन एडवांस। तो वेजेस पेड 14,000 की एंट्री क्या करोगे, एंट्री करोगे वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 14,000 ये हमने कर दिया पे। क्या इस वेजेस वाली 14,000 रुपीज में, ये जो 14,000 मैंने डेबिट करा, 14,000 ये वेजेस पूरे साल की 14 थी या पूरे साल की सिर्फ 12 थी, 2,000 यहाँ पे एक्स्ट्रा है, 2,000 एक्स्ट्रा हुआ ना यहाँ पे, तो इसको सही करना पड़ता है, हम लोगों को इसको एडजस्ट करना पड़ता है। इसको कैसे एडजस्ट करते हैं सुनो, 2,000 रुपीज एक्स्ट्रा है, अगर मैंने 2,000 रुपीज आपको एक्स्ट्रा पे कर दिया तो मेरे लिए वो एसेट हो गया। मेरे लिए वो क्या हो जाता है, एसेट हो जाता है। वो एसेट क्यों होता है कि आप कोई भी चीज़ एडवांस में पे करते हो, सपोज आपने अपनी ट्यूशन फीस एडवांस में पे करी, तो आपका एसेट है, आप पूरे महीने उसका बेनिफिट लोगे, समझे। तो प्री पेड मेरे लिए एसेट होता है, तो सारे एसेट्स होते हैं डेबिट, तो मैं लिखूंगा प्री पेड वेजेस अकाउंट डेबिट जो भी मेरा एसेट था 2,000, और क्रेडिट कर दूंगा मैं यहाँ पे वेजेस को, मैंने क्रेडिट कर दिया 2,000 रुपीज। क्रेडिट करके क्या हुआ, यहाँ पे ये जो 14 में 2 एक्स्ट्रा डेबिट हुए थे जो इस साल के नहीं थे, वो अपने आप यहाँ क्रेडिट हो गया, एडजस्ट हो गया, नहीं हो गया। तो यानी जब मैं वेजेस दिखाऊंगा, अपनी लेजर बनाऊंगा, जब मैं लेजर पोस्टिंग आएगी आगे, जब आप लेजर बनाओगे तो 14 में से 2 क्रेडिट हो गया, यानी 14 में से 2 हट गया, तो इस साल में सिर्फ 12,000 ही शो होगा, समझ रहे हो। तो अल्टीमेटली प्रीपेड एक्सपेंसेस की अगर आपको एंट्री पास करनी हो, तो प्रीपेड एक्सपेंस आपका एसेट है तो वो डेबिट हो जाता है, तो उसकी एक नॉर्मल एंट्री क्या बनती है, एंट्री बनती है प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस क्रेडिट इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग एक्सपेंस की वैल्यू को रिड्यूस कर रहे हैं, जितना हमने एक्स्ट्रा दिया हुआ था वो हम कम कर रहे हैं, इसलिए एक्सपेंस क्रेडिट हो जाता है। और प्रीपेड तो हमारा एसेट है ही, तो प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट, ये होती है प्रीपेड की। कोई भी प्रीपेड होगा तो ये एंट्री बनेगी, सपोज सैलरी प्रीपेड है तो प्रीपेड सैलरी टू सैलरी, रेंट प्रीपेड है प्रीपेड रेंट टू रेंट, समझे। अब आगे बढ़ता हूं तीसरे की तरफ, एक्रूड। थर्ड होता है हमारे पास एक्रूड, लेकिन ये इनकम के लिए होगा, ये किसके लिए होगा, इनकम के लिए। अब देखो ध्यान से समझना, रेंट रिसीव्ड 8,000, स्टिल रिसीवेबल 4,000। सपोज रेंट था पूरे साल का 12,000, मुझे सिर्फ 8,000 रिसीव हुआ है, 4 अभी तक रिसीव नहीं हुआ, ये 4 है रिसीवेबल। रिसीवेबल मीन्स इट इज येट टू बी रिसीव्ड। इस सिनारियो में इसको मैं बोलता हूं अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, अर्नड बट Not received, earned but not received, accrued income. Earned but not received का मतलब क्या हुआ कि मैंने कमा ली लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुई मुझे वो। भाई ऐसा क्या कि मैंने कमा लिया और रिसीव नहीं हुआ, ऐसा कैसे, ऐसा हो जाता है। सपोज मैंने पूरे महीने पढ़ा दिया और मुझे मेरी फीस नहीं मिली, तो मेरे लिए वो कौन सी इनकम होगी, accrued income। अब सोचो आपकी ये मेरे लिए एसेट हुआ या नहीं हुआ, कि मैंने अपनी सर्विसेज दे दी, मुझे बस पैसा लेना है, जैसे डेटर से पैसा लेना होता है, एसेट हो जाता है। तो accrued आपका एसेट होता है। अब सपोज रेंट रिसीव्ड 8,000, तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, जो हमें रिसीव हो गया 8,000। अब सोचो आप लोग कि मुझे 4,000 और मिलना था, मेरा एसेट है, तो वो मेरा एसेट है तो डेबिट होगा, क्या एंट्री बनेगी, accrued रेंट अकाउंट डेबिट। एसेट है तो मैंने accrued रेंट डेबिट करा टू रेंट अकाउंट, ये 4,000 यहाँ लिख दिए। देखो रेंट तो क्रेडिट होगा ही होगा, यहाँ भी हुआ था, यहाँ क्रेडिट हुआ, यहाँ भी क्रेडिट हुआ, क्योंकि मेरी इनकम है, सारी इनकम्स क्रेडिट होती हैं। बट जो मिल गया वहाँ कैश डेबिट करा, जो अभी मिलना है, जो मेरा एसेट है, वहाँ एक्रूड लिख दिया। आप इसकी कंबाइंड एंट्री कर सकते हो, देखो रेंट दोनों बार क्रेडिट हो रहा है, डेबिट क्या क्या हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट 8,000 जो मिल गया, एक्रूड रेंट डेबिट
4000 जो भी मिलना है, टू रेंट अकाउंट टोटल 12000। आप इस तरीके से कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हो, नरेशन लिख देना बीइंग रेंट रिसीव्ड 8000 एंड स्टिल रिसीवेबल 4000। क्लियर हुआ? इस तरीके से हम लोग एक्रूड की एंट्री करते हैं। अगर इसकी एंट्री करनी हो तो क्या एंट्री होती है? एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम, ठीक है। और ये प्रीपेड की एंट्री क्या होती है? प्रीपेड आपका एसेट होता है, तो प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट टू एक्सपेंस। एग्जाम्पल्स जो मैं करा रहा हूँ इनकी प्रैक्टिस कर लेना, बुक में ऐसे ही मिलेंगे डायरेक्टली, कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आते हैं लास्ट फोर्थ पे, स्क्रीनशॉट लेना लो। लास्ट नंबर फोर क्या है मेरे पास? नंबर फोर है अनअर्न्ड। अनअर्न्ड होता है रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस। मुझे कोई पैसा मैंने एडवांस में रिसीव कर लिया, कमाया नहीं है अभी तक। जैसे रेंट रिसीव्ड 14000 विच इंक्लूड्स 2000 फॉर नेक्स्ट ईयर। रेंट मुझे मिला 14000 जिसमें 2000 कब का था? अगले साल का था, नेक्स्ट ईयर का था। तो सबसे पहले तो रेंट रिसीव की एंट्री कर लिया करो, जो मिल गया मिल गया। तो एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट 14000। लेकिन अब मुझे साफ साफ दिख रहा है कि इस साल रेंट क्रेडिट होना कितना चाहिए था? 12, क्योंकि साल का तो 12000 ही था ना, 2000 एक्स्ट्रा मिला है। तो यानी यहाँ पर 2000 एक्स्ट्रा क्रेडिट हुआ है, मेरी 2000 की एक्स्ट्रा लाइबिलिटी अराइज हुई भी है, क्योंकि मुझे जो भी अल्टीमेटली पैसा एडवांस में मिलता है, हैं, वो मेरा लाइबिलिटी होती है। जैसे मुझे एडवांस में मिला पैसा, रिसीव्ड इन एडवांस, मैंने आपसे फीस ले ली एडवांस में, वो मेरी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी क्यों है? मुझे उसकी सर्विसेज देनी है पूरी, अब एक महीना दो महीना जितना भी टाइम मैं पढ़ाऊंगा, जितनी भी मैंने फीस ली है। और सारी लाइबिलिटीज क्या होती है? क्रेडिट। तो अल्टीमेटली अनअर्न्ड रेंट क्या होगा या अनअर्न्ड इनकम क्या होगा? क्रेडिट, ठीक है। एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड रेंट। रेंट क्यों डेबिट हो रहा है? रेंट इसलिए डेबिट हो रहा है क्योंकि इसके अंदर 2000 एक्स्ट्रा क्रेडिट हुआ है। रेंट क्रेडिट होना चाहिए था 12000 क्योंकि इस साल का 12000 ही था, हमें मिल गया 14, तो 2000 एक्स्ट्रा हुआ है ना, वो अल्टीमेटली मैं डेबिट कर देता हूँ 2000, और यहाँ पे क्रेडिट कर दिया 2000, ये एक्स्ट्रा हो गया, ये हो गया हमारे पास। चाहो तो आप इसकी भी कंबाइंड एंट्री कर सकते हो जाएगी वो भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अगर इसकी कंबाइंड एंट्री करनी हो तो क्या हो सकती है? इसकी कंबाइंड एंट्री हो सकती है कैश अकाउंट डेबिट, कैश मिला 14000 टू रेंट, रेंट हो गया 12000 टू अनअर्न्ड रेंट। लेकिन आप अनअर्न्ड वाली अगर आप करोगे तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कंबाइन करने में, तो अलग अलग कर लो, कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। अनअर्न्ड की अगर एंट्री पास करनी हो, अनअर्न्ड मेरी लाइबिलिटी है ना, बस इतना ध्यान रखो, अनअर्न्ड मेरी लाइबिलिटी है तो उसको क्रेडिट करना है। तो एंट्री बनेगी इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम। लो जी, ये हमारी चार मेन एंट्रीज हो गई। आप बस ये समझ लो कि इनका नेचर क्या है। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग क्या? आउटस्टैंडिंग आपकी लाइबिलिटी, क्रेडिट होगा तो एक्सपेंस डेबिट कर दो साथ में, एक्सपेंस डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंस आपने एडवांस में दे दिया, आपका एसेट, एसेट है तो डेबिट होगा, तो प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, क्रेडिट में तो एक्सपेंस ही जाना है ना। ये इनकम के लिए होता है। एक्रूड का मतलब देख लो बस, एक्रूड का मतलब अर्न बट नॉट रिसीव्ड, मेरा एसेट है तो एक्रूड तो डेबिट होगा, एक्रूड इनकम टू इनकम। यहाँ पे अनअर्न्ड, अनअर्न्ड का मतलब रिसीव्ड इन एडवांस, मेरी लाइबिलिटी, क्रेडिट होगा तो इनकम डेबिट कर दो, इनकम डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम, हो गया। ये मेन चार ट्रांजेक्शन है जो एग्जामिनेशन में 100% आएंगी, ध्यान रखना 100% बोल रहा हूँ मैं, आनी ही आनी है, ओके। तो ये अच्छे से कर लो, और इसके बाद बस दो तीन और छोटी छोटी ट्रांजेक्शन बची हैं, अब वो समझाता हूँ आपको। अब कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं जो जनरल एंट्रीज में यूज होती हैं, उनको भी नोट डाउन कर लो आप लोग अपने पास। सम स्पेसिफिक टर्म्स, कौन कौन सी टर्म्स हैं जो यूज होती हैं? देखो, सबसे पहले अगर आपने कोई कंप्यूटर खरीदा, प्रिंटर खरीदा, टाइपराइटर खरीदा, इस तरीके का कोई चीज खरीदी ऑफिस के लिए, कोई कंप्यूटर है, प्रिंटर है, टाइपराइटर है, ऐसा अगर कुछ भी लिखा आ रहा है आपके पास जर्नल एंट्री में, परचेज कंप्यूटर, परचेज ये,
तो इस सब के लिए आपको वर्ड क्या यूज करना है? ऑफिस इक्विपमेंट। इस सब के लिए क्या वर्ड यूज करना? ऑफिस इक्विपमेंट। की लिखा है परचेज कंप्यूटर, तो एंट्री क्या करोगे? ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि आपके पास एसेट आ रहा है और कैश जा रहा है। ठीक हुआ। अच्छा, नंबर टू, अगर आपने कोई इलेक्ट्रिक फैन खरीदा, कोई इलेक्ट्रिक ट्यूबलाइट लिखा हुआ है, या कुछ इस तरीके के इलेक्ट्रिसिटी के कुछ आइटम्स लिखे हुए हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी आइटम्स के लिए हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं उनको बोलते हैं फिक्स्चर्स। फिक्स्चर्स ये याद रखना है, ठीक है। जैसे सपोज लिखा है कि परचेज इलेक्ट्रिक फैन, तो वहां एंट्री करना फिक्स्चर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, समझे। इसके बाद अगर कोई पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड आइटम है, पोस्ट ऑफिस रिलेटेड, जैसे स्टैम्प्स आ गया या कुछ इस तरीके का एनवेलप्स आ गए, कुछ ऐसा लिखा हुआ है, तो उसके लिए वर्ड यूज करना पोस्टेज। वहां पे एंट्री पास करना पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि सारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं। नंबर फोर, कुछ पेन पेंसिल्स इस तरीके का कुछ लिखा है, तो वहां पे यूज कर देना स्टेशनरी। वहां पे क्या यूज करोगे? स्टेशनरी। उसके बाद अगर कुछ एनिमल्स यूज हो रहे हैं, जैसे कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर एनिमल्स यूज होते हैं, हॉर्स कार्ट्स वगैरह यूज हो जाते हैं, बफलोज वगैरह यूज हो जाते हैं, तो वहां पे आपको क्या वर्ड यूज करना है? लाइव स्टॉक। एनिमल्स के लिए लाइव स्टॉक, सपोज आपने हॉर्स खरीदा बिजनेस के लिए, तो एंट्री होगी लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश, नॉट हॉर्स डेबिट टू कैश। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद कुछ जगह लिखा होगा हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, हाउस होल्ड पर्सनल, इनकम टैक्स, डोमेस्टिक, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इन सब के लिए वर्ड यूज करोगे आप लोग ड्रॉइंग्स। इन सब के लिए क्या वर्ड यूज करना है? ड्रॉइंग्स। इनकम टैक्स, पर्सनल एक्सपेंसेस, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, डोमेस्टिक एक्सपेंसेस, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, सभी के लिए क्या वर्ड यूज करना? ड्रॉइंग्स। एक चीज और ध्यान रखना, इंस्टॉलेशन चार्जेस, सेटअप चार्जेस, मतलब मशीन अगर आपने कोई खरीदी है और अभी तक आप उसको यूज नहीं कर पा रहे, उसको यूज करने से पहले का जितना भी खर्चा है वो ध्यान रखो मशीन ही डेबिट होगी उससे, उससे मशीन ही डेबिट होगी। आप कोई मशीनरी लेके आए हो और उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस आ रहे हैं, उसके सेटअप चार्जेस आ रहे हैं, कुछ ऐसा खर्चा आ रहा है, तो उस केस में आपको मशीन को ही डेबिट करना है, इन खर्चों को डेबिट नहीं करना वहां पे, समझे। सपोज आप कोई सेकंड हैंड मशीन लेके आ रहे हो और जब तक वो रिपेयर नहीं होगी वो यूज नहीं हो सकती, तो आप उस रिपेयर को रिपेयर टू कैश नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? मशीनरी टू कैश लिखोगे, क्योंकि आपका वो मशीन का ही खर्चा है, समझे। रिपेयर कब होता है? रिपेयर होता है जब नॉर्मली मशीन ले ली मैंने, मैं कब से यूज कर रहा हूं, अब वो खराब हो गई नॉर्मली, मुझे उसका रिपेयर कराना पड़ा, तब मैं रिपेयर डेबिट टू कैश करूंगा। समझ में आनी चाहिए ये बात। ये कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और इन पे बेस्ड एग्जामिनेशन में सवाल आ जाता है, तो इसको भूलना मत, ध्यान से कर लेना इसको। और बस इसी नोट पे, इसी के साथ हमारा जर्नल एंट्रीज बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, जर्नल एंट्रीज हमारा कंप्लीट है, जो बेसिक जर्नल एंट्रीज है सारी करा दी मैंने, कोई जर्नल एंट्री नहीं छोड़ी है। अगर आपको अच्छे से दोबारा रिवाइज करना है तो ध्यान रखना पार्ट 1 to 8 प्लेलिस्ट में सभी सीरियल वाइज लगी हुई है, ठीक है। यही था बस हमारा आज का काम, और कंप्लीट होता है जर्नल एंट्रीज, अब नया चैप्टर कराएंगे आपको इसके बाद और अकाउंटेंसी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो दिस इज इट फॉर टुडे गाइज, थैंक यू सो मच।